अगर आप भी दुनिया के सबसे बड़े K-pop आइडल्स BTS के चाहने वाले हो तो आपको पता होगा जब भी बांगतन बॉयज के सरप्राइजेस एक बार शुरू होते हैं तो खत्म होने का नाम नहीं लेते। उसी तरह BTS की ज़िंदगी में मुसीबत है तो एक बार शुरू होती हैं तो बारिश की तरह बरसती हैं, और ऐसी ही मुसीबतों में आजकल फंसे हुए हैं BTS सुपरस्टार मिनयोंगी यानी शुगा, जिनकी ज़िंदगी में एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है और शुगा के ऊपर ये मुसीबत की बरसात हो रही है। अभी कुछ ही दिन पहले BTS मेंबर शुगा ड्रिंक एंड ड्राइव केस में फंसे थे, जहाँ उन्हें पुलिस ने चालान किया। उनके ऊपर पुलिस केस चल रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फैंस इसके दुख से निकले नहीं थे कि अब एक बहुत बड़ा एलिगेशन, एक बहुत बड़ा खुलासा शुगा को लेकर मिलिट्री ड्यूटी की तरफ से हुआ है, जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। जी हाँ, BTS मेंबर शुगा पर एक और पुलिस केस हो चुका है, जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे, क्योंकि शुगा पर इल्ज़ाम लगे हैं कि शुगा ने अपनी मिलिट्री सर्विस ठीक से नहीं की है, उन्होंने काम चोरी की है, उन्होंने अपनी मिलिट्री ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट किया है। जी हाँ, आर्मी कोरिया में एक तरीका है जिससे आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेन लेटर के द्वारा कर सकते हो, और ऐसे ही एक लेटर ने शुगा की सर्विस को लेकर खुलासा किया है, वो भी खुद उस इंसान ने जिसने शुगा के साथ लास्ट ईयर मिलिट्री में बेसिक सर्विस की थी। जी हाँ आर्मी, इस लेटर में इसने खुलासा किया कि शुगा बेसिक ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा लापरवाह थे, उन्होंने कभी भी कोई भी ट्रेनिंग सही से अटेंड नहीं की, यहाँ तक कि वो एक बटालियन यानी एक यूनिट के लीडर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 4-5 दिन तक कोई भी क्लास, कोई भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, यहाँ तक कि वो इतने ज़्यादा गंदे और ख़राब थे कि इंस्ट्रक्टर ने उन्हें डांटा तो शुगा ने अपना सर हिलाकर फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दिया। शुगा अपने एटीट्यूड से सबको परेशान करते थे, जैसे कि वो कोई क्लास बुली हो, और सब उनके डोमिनेंट नेचर से परेशान रहते थे। और इन सभी खुलासों ने शुगा को एकदम कंट्रोवर्सी में डाल दिया है कि जिस तरह वो अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं, क्या वो ऐसे हैं भी कि नहीं, इसे लेकर अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाली है। हालांकि फैंस उन्हें डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इसे लेकर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना।